नमस्कार, मैं सुरेश कुमार और आप देख रहे हैं पल पल। दिशा संस्था में दिव्यांगता को लेकर के कार्यशाला का आयोजन। श्रीमती गीता कतुरिया ने बताया कि लोकल लेवल कमेटी करती है कानूनी अभिभावक की नियुक्ति। जिला समाज कल्याण विभाग की ओर से दिशा संस्था के परिसर में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें 21 प्रकार की दिव्यांगताओं के बारे में जानकारी देते हुए जागरूक किया गया। साथ ही लोगों को चाइल्ड हेल्पलाइन के प्रति भी जागरूक किया गया। इस मौके पर राष्ट्रीय न्यास की राज्य समन्वयक श्रीमती गीता कतुरिया ने राष्ट्रीय न्यास के अंतर्गत आने वाली दिव्यांगताओं के बारे में जानकारी दी। उन्होंने सर्वल पॉलिसी, मंदबुद्धिता, बहुनिषक्तता और ऑटिज्म से ग्रसित व्यक्तियों के कानूनी अभिभावक नियुक्त करने की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कानूनी अभिभावक की नियुक्ति केवल लोकल लेवल कमेटी के माध्यम से की जाती है। जिला समाज कल्याण अधिकारी डॉक्टर दलबीर सिंह सैनी ने अपने विभाग की विभिन्न योजनाओं के ऊपर प्रकाश डाला। उन्होंने उपस्थित जनों को प्रेरित करते हुए कहा कि समाज भलाई का कोई भी कार्य सबसे पहले आत्मसंतोष देता है और ऐसा करने से हमारी सोच सकारात्मक होती है। उन्होंने दिव्यांग जनों को दी जाने वाली विभिन्न परियोजनाओं और योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सभी सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रत्येक दिव्यांगजन को विकलांगता प्रमाण पत्र बनवाना अति आवश्यक है। UDID में प्रत्येक दिव्यांगजन का रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। इसके लिए ऑनलाइन भी रजिस्टर किया जाता है। वरिष्ठ नागरिक लालचंद गोदारा ने लोगों को ऊर्जावान रहते हुए सामाजिक उत्थान के कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेने के लिए प्रेरित किया। चाइल्डलाइन इंडिया फाउंडेशन के राज्य समन्वयक मिस्टर सम्राट भी वहां पर मौजूद थे। उन्होंने चाइल्ड हेल्पलाइन के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि किस प्रकार से अलग अलग क्षेत्र के अंदर किस तरह के केस, जो बच्चों से संबंधित केस हैं, जो मुद्दे हैं, वो सामने आ रहे हैं और आप एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर किस तरह से बच्चों की हेल्प कर सकते हैं। आप देख रहे हैं पल पल की एक खास रिपोर्ट। होगा हम जरूर कर पाएंगे। एक बार सोचते हैं क्या मिलेगा, क्या फायदा होगा, हम करेंगे, हमें स्टडी के साथ नहीं करना चाहिए। आपके पास NSSB होता है, NCC भी होता है, NCC डिसिप्लिन के लिए होता है, NSS सोशल वर्क के लिए होता है। आप देखते हैं उसमें सैनिटेशन का करते हैं, सफाई का करते हैं, या दूसरे गाँव में जाके प्लांटेशन का है, ग्रीनरी का है, कितने ही वर्क होते हैं। तो जब हम ये काम करते हैं तो अंतरात्मा से तो होता है कि ये काम करें। उसके बाद जो प्रभु है, जो परमात्मा है, जो किसी को प्रार्थना किसी वो सिस्टम का है, हम एक सुपर पावर को मानते हैं। अगर हम पॉजिटिव कर्म करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, तो जो बोर्ड का कंप्यूटर है उसमें ऑटोमेटिक फिडिंग होती है और जो फिडिंग होती है वो लाइफ में हमें ऊपर उठा के चलती है कि वी आर डूइंग समथिंग गुड फॉर द सोसाइटी, फॉर द कम्युनिटी, फॉर द स्टेट। आज यहाँ हो रहा है वो मेरे ख्याल से दुनिया में कहीं नहीं हो रहा। तो दो बातें हैं, एक तो ये कि समाज कल्याण अधिकारी आपके पास है, नंबर दो जिन्होंने आपको पालन पोषण किया, पालन पोषण करना चाहते हैं, वो वरिष्ठ नागरिक आपके पास है। ये बातें हम आज से नहीं 10 साल से दोहरा रहे हैं कि काम वो करो जो अच्छा हो, काम वो करो जो सबको भाए, काम वो करो जो सबको अच्छा लगे। ये गुड़िया बात कर रही थी कि क्या करना चाहिए, करना क्या चाहिए, ये मुक्का रखो तैयार। जो ज्यादा बकवास करे ठोक दो। दुनिया में दलेर आदमी का किसी ने मुकाबला नहीं किया है। मैं अपनी बात बताऊं, अनपढ़ आदमी हूं, 1962 में स्कूल से भाग के गया था चाइना ऑपरेशन में, 62 की लड़ाई लड़ी, 65 की लड़ी, 71 की यहाँ आने के बाद फिर लड़ी। एज ग्रुप पूछ रहे हैं जी, एज ग्रुप अगर हम लोग चाइल्ड लाइन की बात करते हैं तो चाइल्ड लाइन
का जो सिस्टम है नशे का, जैसे हमारे पास कोई भी केस रिपोर्ट होता है, 10-8 किसी ने भी डायल की, वो कॉल आई हमारे पास, दूर हो गए, कॉल सेंटर हमारा है जो 24/7 वर्क करता है, वो कॉल हमारे पास आती है, कभी छुट्टी नहीं होती उस कॉल सेंटर की, 24 घंटे सालों की छुट्टी होती है, वो कॉल आती है, दिशा सेंटर में चाइल्ड लाइन सेंटर चल रहा है, अच्छा ऑर्गेनाइजेशन की, तो टीम के पास वो जो इशू आप रिपोर्ट करते हैं, इशू आता है भाई, मान लीजिए आपने नाम बताया या नाम नहीं भी बताया तो कॉलर ने ही रिपोर्ट किया, यहाँ पर बच्चा है, ये बच्चा नशा करता है, इस तरीके से। तो केस रिपोर्ट होने के बाद टीम लोकेशन देखती है, लोकेशन का ये केस है, टीम कॉलर ने अगर अपना नंबर दिया है तो कॉलर से कॉलर को कॉल बैक करके पूरा केस डिटेल लेती है कि भाई कहाँ पर आपने क्या ऑब्जर्व किया है, क्या केस है, ठीक है, हो सकता है कॉलर की अपने घर का केस है या बाहर का केस है, जो भी डिटेल है वो पूरी की पूरी डिटेल ली जाती है, ठीक है। उसके बाद अगर कॉलर ये कहता है कि भाई मैं मिलना चाहता हूँ और मैं आपकी मदद कर सकता हूँ इस केस में, तो कॉलर का पूरा पूरा सहयोग उस केस में लिया जाता है। इनकेस कॉलर कोई अननोन है जिसने मैं नाम तो पता नहीं छोड़ा, लेकिन सिर्फ डिटेल छोड़ी है, केस डिटेल छोड़ी है, तो टीम उस जगह पर जा करके जो भी बच्चा या बच्चे से संबंधित व्यक्ति है उससे कॉन्टेक्ट करती है, उस परिस्थिति को देखती, एक अपना केस वर्क इंटरवेंशन होता है, केस वर्क का एक प्रोसेस होता है सोशल वर्क, तो कैसे केस वर्क करना है, फैमिली से मिलना, उस इशू को समझना कि कब से इशू है, कैसे है, उसके बाद उस बच्चे की स्थिति को देखना, और उस बच्चे को जो भी नियर बाई सेंटर है अगर वहाँ पर कोई ड्रग डिटेक्शन सेंटर चल रहा है तो वहाँ पर उस बच्चे को लिंक किया जाता है, और अदरवाइज जो सिविल हॉस्पिटल होता है तो फिर सिविल हॉस्पिटल के जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट यूनिट होती है वहाँ पर उस बच्चे को लिंक किया जाता है। फैमिली को इसमें कई बार समस्या आती है कि भाई हमारे को पता नहीं है कहाँ पर लेके जाना है, कहाँ पर नहीं लेके जाना, तो टीम उसमें पूरा पूरा सपोर्ट करती है। ये तो हुआ एक तरह का इंटरवेंशन। दूसरे तरह का इंटरवेंशन आता है जिसमें बच्चे की फैमिली है ही नहीं। ये जरूरी नहीं है कि हर बच्चे की फैमिली होती है। कई बार बच्चे आपने सुना होगा स्ट्रीट चिल्ड्रन, वो बच्चे गली में ही रहते हैं, शहरों में ज़्यादातर ऐसे बच्चे होते हैं, शहर गली में ही रहते हैं, फ्लाईओवर के नीचे सोते हैं और वहीं पर अपनी जिंदगी काटते हैं। अगर सपोज कि कोई ऐसा बच्चा है जिसके पीछे फैमिली का कोई सपोर्ट नहीं है, तो टीम उस बच्चे को कॉन्टेक्ट करके फर्स्ट तो उसको मेडिकल सर्विस से जोड़ती है, सेकेंड उसको शेल्टर की सर्विस से जोड़ती है। गवर्नमेंट का पूरा स्ट्रक्चर है, मतलब ऐसे ही कुछ एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन भी हैं और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स भी हैं जो शेल्टर सर्विस प्रोवाइड करते हैं बच्चों के लिए, यानी कि बच्चों के लिए होम बनाए हुए शेल्टर होंगे, तो उस बच्चे को मेडिकल के साथ साथ शेल्टर से भी कनेक्ट किया जाता है सिस्टमेटिकली, देन वो बच्चे को शेल्टर प्रोवाइड किया जाता है ताकि ये बच्चा गली में ना रहे और एक घर में आए जो बच्चों के लिए घर बनाया हुआ है, और वहाँ पर बच्चों के लिए सारे तरह की सुविधाएं होती हैं, मतलब बच्चों को एजुकेशन से भी लिंक किया जाता है, लाइफ स्किल एजुकेशन भी होती है, बच्चे को नहीं दिखाना भी मिलता है, पूरा का पूरा जो शेल्टर होम है वो पूरा गवर्नमेंट सिस्टम की मॉनिटरिंग में ही चलता है। तो जो आपने इशू रेज किया उस इशू को इस प्रोसेस से डील करें। कोई और क्वेश्चन है आप लोगों का? बोलने का मौका नहीं था भाई, इन्होंने सवाल किया भाई मेडिकल कैसे बनते, तो मैंने बोला मैडम जी को भाषा में गुदारा जी ने हमें अच्छी अच्छी बातें कही कि अगर बुजुर्ग बच्चों को हाथ में लेके चलें, हाथ में उठा के चलें, अपनी आंखों में बसा के चलें, तो उन बच्चों पे कभी भी कोई मुश्किल आ ही नहीं सकती, मेरा ऐसा मानना है। इसीलिए बुजुर्ग वो कह रहे हैं पर मैं उनको बुजुर्ग मानती नहीं हूँ, ठीक है हमारे से वो उम्र में बड़े हैं लेकिन हमारे से ज़्यादा ऊँचा मानती है, तो हमें बड़ों का हमेशा आदर करना चाहिए। तो इसी सम्मान के साथ अब मैं जितेंद्र जी को अनुरोध करूंगी कि वो 2 मिनट में अपनी बात कहें और आज के कार्यक्रम के बारे में आप में से कोई एक स्टूडेंट यहाँ आके बता देंगे कि उनको ये कार्यक्रम आज का कैसा लगेगा 1 मिनट में, तब तक सोच लो कि किसने आ। जैसा कि हम सब जानते थे ये थोड़ा थोड़ा, जैसे हम सब ने बताया, पहले तो मैं इन सबका बहुत बहुत थैंक्स करना चाहती हूँ कि इन्होंने जो फ्रॉड ने सब कुछ बताया कि एक्चुअल में क्या होता है। अब अपने
साइकोलॉजिस्ट हैं जो, उन्होंने हमें इतना भी बता दिया कि अगर आप ऐसे किसी स्टूडेंट्स को देखते हो, किसी बच्चे को आप रोड पे देखते हो, तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो हमें कोई डरने की बात नहीं है, हमारा कोई नाम भी डिस्क्लोज नहीं होगा जैसे वो लोग हमें बता रहे हैं। तो हमें इतनी फैसिलिटी मिली है तो हम क्यों नहीं आगे आ सकते? मुझे पता है सिर्फ कहना आसान है, सब लोग सोचते हैं कि हाँ तू बहस कर, बट सब लोग अगर बॉन्डिंग बना के चले गए तो हमें करना है तो करना ही है। तो वेरी थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, आपने इतनी इन्फॉर्मेशन दी, बहुत अच्छा। बट ये कार्यक्रम कभी सफल होगा जब हम सब इसमें आगे बढ़कर अपना सहयोग देंगे। सिर्फ एक काम से सुनना और दूसरे से निकाल देना सफिशेंट नहीं है, तो सभी लोग अपना कुछ ना कुछ सहयोग यहाँ दीजिए और आगे और लोगों को भी इस बारे में अवेयर कीजिए। थैंक यू। आज सरसा में आयोजित इस वर्कशॉप का मुख्य उद्देश्य है हमारी जो नई डिसेबिलिटी की स्कीमें आई हैं उनके बारे में लोगों को, दिव्यांग को व छात्रों को अवेयर करने का कार्य था, जो बड़े अच्छे ढंग से यहाँ लगभग 500 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और दूसरे जो हमारे एनजीओज के और दूसरे लोगों ने पार्टिसिपेट किया। इसमें हमारे मैडम कतुरिया जी ने बताया कि विशेष रूप से हमारी 21 स्कीमों के बारे में डिटेल से बताया कि 21 ये डिसेबिलिटी नहीं इंक्लूड हुई है और उनके सभी के भाई क्या कारण होते हैं और क्या उनके सिम्टम्स होते हैं इस बारे में भी अवेयर किया। और जो इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य एक अवेयरनेस था कि हमारी जो सोशल वेलफेयर की स्कीमें हैं प्लस ये जो डिसेबिलिटीज हमारी जो नई इंक्लूड की हैं इनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में प्रचार हो। और उसमें UDID को मैं मेन बताना चाहूँगा कि UDID एक ऐसी स्कीम चलाई है भारत सरकार द्वारा जिसमें सभी डिसेबल्ड अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और नेशनल लेवल के पोर्टल पर जाके भी कर सकते हैं और हमारे परफॉर्मा भी सबमिट करा सकते हैं जिला समाज कल्याण अधिकारी सिरसा के कार्यालय में और जल्दी ही ये अपलोड करके इनके सर्टिफिकेट जारी कर दिए जाते हैं। इसके अलावा जो नई स्कीमें हमारी जो नए और भी जो स्कीमें हैं जैसे दिव्यांग पेंशन है, दिव्यांग छात्रवृत्ति है, दिव्यांग बेरोजगारी भत्ता है और 0 से 18 की पेंशन स्कीमें हैं, इनके बारे में भी इस वर्कशॉप में बताया गया और गहन मंथन किया गया कि इसके क्या क्या बेनिफिट होंगे और कैसे टारगेट अचीव किया जा सकता है, कैसे मेडिकल सर्टिफिकेट बनाया जाता है। तो मैं मानता हूँ दिशा सहयोग संस्था के सहयोग से जो हमें लगाई है वर्कशॉप, इसका जो ऑब्जेक्टिव था वो पूरी तरह कामयाब रहा और जो हम चाहते थे वो 100% पूरा हुआ। और इस तरह की पहले ही साल में भी हमने एक वर्कशॉप की थी और यहाँ जो वर्कशॉप की अति उत्तम रही और ये लोगों के लिए एक अवेयरनेस में लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ेंगे और दिव्यांग भाइयों के लिए काम कर सके। थैंक यू।